हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुछ एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं जो कि रिलेटेड टू एनवेलप हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एनवेलप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू एल साइन अल्फा कोस अल्फा। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हमें, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हम इसको डायरेक्टली एनवेलप निकालते हैं, यानी पहले हम इसको विद रेस्पेक्ट टू एल पर डिफरेंशिएट करते हैं और जो इक्वेशन आती है उससे और इससे, इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से अल्फा को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कि हमारे पास अल्फा को रिमूव करने में इजीली हो जाए और डिफरेंशिएट भी इजीली हो जाए, क्योंकि अभी तो हमें बहुत ज्यादा टर्म का इसका इसका और इनका एम प्लस एन से डिफरेंशिएट करना होगा। बट अगर साइन अल्फा कोस अल्फा का हम डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जो है साइन कोस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा पर कोस अल्फा का डिवाइड किया हमने तो यहाँ साइन अल्फा बचा ओनली, प्लस वाई, इसी तरह से वाई अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू एल, ये हमारे पास आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे सकते हैं, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। अब फिर से अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या हमने, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वन अपॉन साइन अल्फा, पहले वन अपॉन साइन अल्फा, यानी वन अपॉन साइन अल्फा का करना है तो पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स को छोड़ा वन अपॉन साइन अल्फा का क्या, यानी मैं इसको लिख देता हूं साइन अल्फा, इनवर्स लिख सकते हैं इसको, प्लस वाई डेल अपॉन डेल अल्फा कोस अल्फा का इनवर्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल अल्फा एल। अब अगर ये डिफरेंशिएशन कर दे तो एक्स पहले आएगा हमारे पास, फिर साइन अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा वन साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस, सॉरी साइन अल्फा का माइनस टू, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। इस कंडीशन में हमारे पास माइनस वन आ गया जाता है, उसके बाद एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन मतलब एक्स टू की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वही फॉर्मूला है हमारे पास, एन डॉट एक्स टू की पावर एन माइनस वन यही। अब ये कर दिया, इसके बाद हमें साइन अल्फा का भी करना है तो साइन अल्फा का हो जाएगा कोस अल्फा, ये हो गया इस तरह प्लस। अब ऐसा करेंगे प्लस ये हो गया वाई, ऐसे करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा पहले, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस अल्फा का माइनस टू पावर, और कोस अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन अल्फा होगा, उसको तो माइनस साइन अल्फा की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली वो जीरो हो जाएगा। अब अगर इसको हम दूसरी सही फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स कोस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। अब ये हो गए हमारे पास यहां से, तो अगर हम यहां से अगर इसको चेंज करना चाहें, क्योंकि हमें चाहिए कि किसी तरह से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से अल्फा रिमूव हो जाए, तो पहले हम कोशिश करेंगे कहीं हमारे पास यहां से अल्फा की वैल्यू निकल आए। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको टेन में चेंज करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां से क्योंकि अगर हम देखें माइनस एक्स ये है, अगर कोस अल्फा को हम नीचे ले जाएं, कोस अल्फा को साइन अल्फा के नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को साइन अल्फा लिख लेंगे और अपॉन कोस अल्फा, तो ये तो हमारे पास टेन अल्फा हो जाएगा ये टर्म, तो ये हमारे पास यहां से डायरेक्टली हम टेन अल्फा लिख सकते हैं टेन अल्फा, ये हो गया। और प्लस अब यहाँ पे अगर हम साइन अल्फा को नीचे ले जाएं, साइन अल्फा को नीचे ले जाएंगे कोस अल्फा को दो बार लिखते हैं वाई, ये साइन अल्फा है हमारे पास कोस अल्फा कोस अल्फा, तो एक कोस अल्फा से हमारे पास क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो यहां से इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसको टेन अल्फा लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को, ये आ जाएगा टेन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया इक्वल टू जीरो। अब फिर हमारे पास ये हो गया है,
अब हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा को भी अगर हम कॉस टेन में बदलना चाहे तो हम कॉस अल्फा का डिवाइड कर दें दोनों तरफ। तो यहां से हमारे पास अगर हम या तो हम कहेंगे कॉस अल्फा का पूरे में डिवाइड कर दें, एलसीएम पहले एलसीएम ले लेते हैं जिससे हम इजीली समझ पा जाए। तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास का टेन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहां से जो हो गया हमारे पास टेन अल्फा साइन अल्फा ये है माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस, यहां से अगर देखें तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा ये चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास वाई टेन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, ये टर्म जो हमारे पास आ चुकी है। तो यहां से अगर हम चाहें तो अगर हम यहां से इक्वेशन से इस इक्वेशन से इसको इक्वल टू जीरो है तो ये इसको हटा सकते हैं, ये टर्म जो है इक्वल टू जीरो होगी तभी वो जीरो होगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब इस टर्म में अगर हमें कोस अल्फा का डिवाइड कर ले दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस अल्फा का डिवाइड कर दिया तो ये कोस अल्फा चला जाएगा प्लस y tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ cos अल्फा अगर डिवाइड किया तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा बन जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा tan क्यू अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास आ गया tan क्यू अल्फा इक्वल टू, और यहां से देखें तो x अपॉन y, या यहां से अगर हम tan अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो tan अल्फा बराबर आ गया हमारे पास, tan अल्फा बराबर आ गया एक्स की पावर वन बाई थ्री अपॉन वाई की पावर वन बाई थ्री। अब फिर हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए या फिर हम कहें कि हमें साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली टेन को साइन और कोस की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो जैसे टेन बराबर होता है हमारे पास जो लंब बटे आधार, ये होता है हमारे पास इसका बेसिस, बेस ये होता है। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला हम जो अपनी एट से टेंथ क्लास में हमने पढ़ा होगा एल ए एल के साइन साइन को हम इस तरह से लिखते हैं, कोस को इस तरह से, टेन को इस तरह से, तो इस तरह से लिखते हैं। तो उसी की हेल्प से हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कर्ण चाहिए साइन के लिए, क्या चाहिए साइन के लिए वैल्यू ऑफ के चाहिए। तो के बराबर क्या है हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा के बराबर, ये हो गया हमारे पास एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास यहां से साइन अल्फा बराबर यहां से हम लिख सकते हैं एल अपॉन के। तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, और के की वैल्यू क्या है एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर कोस अल्फा की वैल्यू हम लिखना चाहें तो कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए अपॉन के। तो ये हो गया हमारे पास वाई टू दी पावर वन अपॉन थ्री एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री, और के जो है रूट है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये रूट्स हो गया। तो इस तरह से साइन अल्फा और कोस अल्फा की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा इक्वल टू एल, जो हमारे पास इक्वेशन चेंज हुई थी, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से अल्फा रिमूव हो जाएगा। तो यहां से हम साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू क्या है ये तो एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस यहाँ पे बाई अपॉन यहाँ से वाई टू दी पावर वन बाई थ्री नीचे आएगा, और रूट ऑफ ये जो है ऊपर जाएगी, ये टर्म ऊपर जाएगी एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री इक्वल टू एन। तो यहां से ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अगर x टू पावर 2 बाय 3 प्लस y टू पावर 2 बाय 3 हम कॉमन ले लें, या फिर हम करें x x अपॉन यहां पे अगर ये नीचे जाए सॉरी अगर इसको हम ऊपर लाए तो यहां से इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x टू पावर 2 बाय 3
रूट एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री प्लस इसको भी वाई टू दावर टू बाई थ्री क्योंकि ये मैंने सिंपल ऐसे दिया वाई की पावर वन माइनस वन बाई थ्री ये टर्म है। इस टर्म से ये हो गया हमारे पास सिंपली ये एक्स टू टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री इक्वल टू एल। अब ये इसको कॉमन ले सकते हैं x की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री को, तो इसको कॉमन लेके हम क्या लिख सकते हैं जब इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां से आ जाएगा एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री ये कॉमन आ गया और यहां पे बच गया एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री और यहां पे इसका रूट हमने कॉमन लिया है रूट वाली टर्म कॉमन लिया है ये हो गया एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री इक्वल टू एल। तो यहां से हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम ये सेम है ये सेम है पावर सम हो जाएंगे तो यहां से हो गया एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दी पावर टू बाई थ्री की पावर टोटल थ्री बाई टू इक्वल टू एल। तो बस ये जो इक्वेशन आई ये हमारे पास इसके एनवलप की इक्वेशन है। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंस किसी भी इक्वेशन के एनवलप की इक्वेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।